हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन लर्निंग क्लासेस ब्लू बेल सिल्वर ग्रीन अकेडमी ताजपुर बहराइच। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नरेशन। ओके, नरेशन जो होता है अधिकतर इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के ऊपर जब बच्चे पहुंचते हैं तभी उसके बारे में सीखते हैं, लेकिन अब वो समय चेंज हो गया है। नरेशन आपके जूनियर लेवल से भी स्टार्ट हो गए हैं, सिलेबस में आ गए बच्चों के, तो इसीलिए हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से डालना चाहते हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे भी इसको सीख लें। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं उसका डिफिनेशन छोटा सा दिया, उस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ डायरेक्ट, अगर पूछा जाए मतलब डिफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट होता है द एक्चुअल वर्ड्स दैट अ पर्सन सेड, समझ रहे हैं ना, मूल शब्द जो एक व्यक्ति कहता है उसी को डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग, सूचना देना, व्हाट समबडी हैज सेड, जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया मतलब कहा गया हो उसको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सूचना देना, नॉट यूजिंग एक्चुअल वर्ड्स। ओके, यानी जो मूल शब्द है उसका प्रत्यक्ष कथन है उसका प्रयोग ना करके। ओके, चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। ओके, तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है जब उसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं उसके लिए, तो उस रूल्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस होता है कुछ इस रूप में लिखा होता है, यानी एक सेंटेंस इधर होगा, फिर कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा, फिर उसके अंदर एक सेंटेंस होता है, तो उसमें आता है चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये कॉमा के बाहर जो आप देखते हैं ना, ओके, ये जो कॉमा के बाहर आप देखते हैं इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो कॉमा के अंदर होता है। ओके, ये जो कॉमा के अंदर होता है, इसका काफी डिटेल में डिफिनेशन होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अधिकतर हम ये चाहते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे भी इसको पकड़े, इसीलिए इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको ये दिखाना चाहते हैं, मतलब ये बताना चाहते हैं कि आप देखिए कि हाँ वास्तव में जो जिस रूप में रखा होता है उस रूप में अगर वो रखा है तो उसके कौन कौन से पार्ट हैं, समझ रहे हैं ना। जो कॉमा के बाहर होगा स्टार्टिंग में वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं, ये कभी कभी चेंज करके भी दे दिया जाता है, अभी एग्जांपल जब देंगे तो आपको क्लियर करेंगे उसके सामने। ठीक, और यहाँ पे जो है इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा के जो बाहर होता है, ठीक, तो उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा के बाहर अगर वो प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है तो आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा यानी कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होगा उसमें नो चेंज होगा, यानी कहने का मतलब टेंस का चेंज उसमें नहीं होगा, केवल जो पर्सन होगा वो चेंज करेंगे, टेंस का चेंज नहीं करेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, उसके नीचे देखते हैं, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप प्रेजेंट टेंस देख सकते हैं। ठीक, प्रेजेंट टेंस जैसे आ गया राम सेज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज सेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज सेड और हैज बीन सेइंग। अच्छा, लिख हम पहले इसलिए देते हैं कि लिखने में और भी टाइम वेस्ट होगा तो वीडियोस काफी लंबी हो जाती है, अपलोड होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ ऐसे राम सेज, अब मैंने एग्जाम्पल दिया है राम सेज ही नहीं, यहाँ पे ही सी इट कुछ भी आ सकता है, तो सेज आ रहा है या इज सेइंग आ रहा है, हैज सेड आ रहा है, हैज बीन, यानी ये कॉमा के अगर बाहर आ रहा है तो कॉमा के अंदर जो होगा वो टेंस चेंज उसमें नहीं होगा, हम केवल उसमें क्या करेंगे, पर्सन चेंज कर देंगे। ओके, दैट लगा के हम कॉमा हटा देंगे, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हाँ, एक चीज और फ्यूचर के बारे में भी देख लीजिए। अच्छा, फ्यूचर का तो सबसे बहुत ही ईजी है, आप जानते हैं फ्यूचर का मतलब जो है कोई भी टेंस हो उसमें विल या शैल आता है, तो आप ये जान जाइए कि कॉमा के बाहर यानी इन्वर्टर कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में विल या शैल कहीं भी लग के आता है तो समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कॉमा के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल पर्सन के अलावा, पर्सन चेंज कर देंगे उसके अलावा जो टेंस चेंज होगा उसमें नहीं होगा अगर विल या शैल कॉमा के बाहर लगा हुआ है। ओके, अब विल या शैल ये अगर कॉमा के बाहर आ रहे हैं कहीं पर तो आपको जो है कॉमा के अंदर यानी इनवर्टर कॉमा में कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो यहां देख सकते हैं राम है सेज, राम से सेम हम यहां पे लिख देंगे राम सेज, अभी नो चेंज के बारे में सीख रहे हैं, अभी हम क्या सीख रहे हैं, नो चेंज, इसके बारे में देखते हैं कि इसके बाद देखते हैं कि चेंज कैसे होगा, उसका भी रूल्स, सारे रूल्स आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए, बस एक एक कंसेप्ट आपको ध्यान से देखना है। एक कंसेप्ट नंबर फर्स्ट आपके सामने चल रहा है,
ठीक है राम सेज, यहां पे जैसे ही आप दैट लगाएंगे, दैट समझ लीजिए जादू की छड़ी है कि लगाया और कामा खत्म, समझ रहे हैं? तो राम सेज दैट लगाएंगे कामा खत्म, हाँ ये देख रहे हैं इनोटेड कामा हट जाएगा। अगर यहां पे आई है तो यहां के मेन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है? यहां पे यू होता तो यहां, अगर यू होता तो यहां पर टू मी मान लेते हैं कि टू मी इसमें छिपा होता है, वो अलग मैटर अभी क्लियर कर देंगे, ठीक है? अच्छा राम सेज, अच्छा राम ने, राम कहता है आई एम ए गुड बॉय, कि मैं एक अच्छा लड़का, नहीं अपने बारे में ही कह रहा है। तो यहां पे जो राम कह रहे हैं, नहीं राम, यहां आई पे क्या होना चाहिए, राम ही होना चाहिए, लेकिन जानते हैं मतलब जो है बार बार जो है किसी नाम का प्रयोग नहीं किया, तो उसके उसके जगह पे जो है ही शी इट का प्रयोग किया था। कोई नाम हो, अगर लड़का का नाम हो तो ही और लड़की का नाम हो तो शी, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, आई की जगह पे ही का यूज कर देंगे, ही। और आप जानते हैं आई के साथ एम का यूज होता है, तो ही के साथ इज का यूज होगा, ही इज अ गुड बॉय, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज नो चेंजेस हैं। अब यहीं पे अगर आता राम विल से तो भी आप अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते थे, यानी इसमें टेंस में चेंज कोई नहीं होगा। आपने देखा सिर्फ पर्सन चेंज हो रहा है यहां पे, ओके? अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि अंदर का जो टेंस होता है वो कैसे चेंज होता है, बहुत इजी तरीके से, ओके? नो चेंज का ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सी सेज टू मी, अच्छा जो सेज टू होगा उसको हम टेल्स में कर देंगे, ओके? टेल्स हो जाएगा। यहां क्या करेंगे, सी सेज टू जो होगा वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, और मी को हम सेम उतार देंगे यहां पे, ठीक? और उसके बाद क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, दैट जैसे ही दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। और यहां पे हमने बताया था कि पर्सन का चेंज होगा। अब यू, यू जो होगा इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर आई होता है तो आई यहां इसके मेन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, समझ रहे हैं? तो यू आप देख सकते हैं यहां पे यू का चेंज मी के अनुसार, सी सेज टू मी, तो मी देख रहे हैं, मी को यहां पे लाना होगा, ओके? और आप जानते हैं मी चूंकि ऑब्जेक्ट है तो यहां पे यू है, तो यहां इसको सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे, ओके? तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा, दैट आई, और आई के साथ आप जानते हैं आर का यूज होगा नहीं, आई के साथ एम होता है, आई एम अ फार्मर, चेंज हो गया, दैट्स वेरी इजी, ओके? बस जरूरत है आपको कॉन्सेप्ट समझने की, तो उम्मीद है आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले का, तो कॉन्सेप्ट नंबर टू में हम सीखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेंज कैसे होगा, ठीक? एक चीज याद रखिए, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, पहले ऊपर से नीचे, आप नीचे ध्यान दीजिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होगा वो पास्ट टेंस में होगा तभी कॉमा के अंदर चेंज होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच तभी चेंज होगा, ठीक है? देखिए जैसे राम सेड हो गया, वाज सेइंग, हैड सेड, या फिर हैड बीन सेइंग, समझिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर ये चीजें आते हैं, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए, या वाज या वर लग के आईएनजी फॉर्म आ जाए उसका, या हैड सेड आ जाए, तभी चेंज होगा अंदर। यानी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी टेंस चेंज होगा, ठीक? अच्छा टेंस चेंज क्या होगा वो चीज है, उसके वजह से तो बहुत सारे रूल्स हैं, अब उतना बताने में बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, वो सब छोड़िए, मैंने यहाँ पे कुछ आपको शॉर्ट चीजें लिखा दी, सिर्फ इसको आप एक बार ध्यान दीजिए ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ओके? देखिए अगर सब्जेक्ट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पे, सब्जेक्ट लगा है और वर्ब है यस या यस है, ठीक? कभी कभी यस यस नहीं भी लगा होता है, या फिर सब्जेक्ट लगा हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा हो, तो वो हम जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है? अभी एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम क्लियर कर देंगे, पहले आप उसको समझ लीजिए। अगर ऑलरेडी सब्जेक्ट सेकंड इधर दिया हो यानी इन्वर्टेड कॉमा में, उसको चेंज करना हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, यानी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेड लगेगा और वर्ब का थर्ड, यहाँ पे वर्ब सेकंड रहता है तो वर्ब का थर्ड हो जाएगा हेड के साथ में, ठीक है? अगर ऑलरेडी हेड दिया हुआ है, वर्ब थर्ड दिया हुआ है, तो हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर इज एम आर आता है चेंजिंग में, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज एम आर आता है, तो उसको हम वाज या वर्ब में चेंज कर देंगे, ठीक? अगर ऑलरेडी वाज या वर्ब उसमें पहले से ही दिया हुआ है तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे,
समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर हैड बीन ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ तो भी उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हैज या हैव दिया होगा तो उसको हैड कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर विल होगा फ्यूचर में तो सब बहुत इजी है, अगर फ्यूचर टेंस में आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो बहुत इजी है। आप मान के चले कि मान के क्या चले, वो फैक्ट है कि फ्यूचर में कोई भी टेंस बगैर विल या शैल के नहीं आता है, आप जानते हैं। तो जहां पे विल आएगा उसको वुड कर देंगे, शैल आएगा उसको शुड कर देंगे। बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन बहुत सारा मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जितनी चीजें हम बता रहे हैं उसको अगर कर लिया ना तो 100% नहीं बनेगा, लेकिन 80% मतलब आप जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो विल का हम जो है क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, और अगर शैल होगा तो उसको शुड कर देंगे, कैन होता है तो उसको हम कुड कर देंगे, मे होगा तो माइट कर देंगे, अगर माइट ऑलरेडी रखा हुआ है तो नो चेंज होगा, और कुड अगर ऑलरेडी रखा हुआ पहले से ही तो भी उसमें नो चेंज होगा। समझ रहे हैं, वो चीजें अगर ऑलरेडी मस्ट भी अगर लिखा होता है तो उसका भी नो चेंज होता है। समझ रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस पे, इसको एक बार आपने अगर माइंड में सेट कर लिया तो बहुत ही इजीली लगभग 80 से लेकर 85% तक का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है बहुत इजी तरीके से आपको आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये सारी चीजें ये होता है ये डायरेक्ट में होता है और ये आपका चेंज इनडायरेक्ट में होता है। तो ये सारी चीजें कंसेप्ट जो आपको याद कर लेना, वरना वो तो बहुत सारे रूल्स हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब है वो भी इजी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि जितने भी टेंस होते हैं अपने ही पास्ट में चेंज हो जाते हैं। समझ रहे हैं, तो बढ़ते हैं इसके देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे इसको देखिए कितनी आसानी तरीके से इसको हम चेंज करते हैं, कितने इजी तरीका है, कितना कॉन्सेप्ट नंबर 2 कितना गजब का मेथड है जिससे हम सीख जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। ओके, पहला एग्जाम्पल है, देखिए राम सेड टू हिम। ओके, याद रखिएगा जब सेड टू हिम करके आएगा तो जो ये सेड टू होगा इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। ओके, राम को सीधे हम यहां रख देंगे और हिम जो होगा उसको यहां रख देंगे। देख रहे हैं ना, राम सेट टू को टोल्ड में कर देंगे, हिम का यहां पे हिम हो जाएगा। आपको बता चुके हैं कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, तो यहां हम जैसे ही दैट लगाएंगे ये कॉमा हट जाएंगे। अब यहां आ रहा है आई, और हमने बताया था, फिर ध्यान दीजिए जो आई होता है वो यहां इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। समझ रहे हैं, और अगर यू होता है यहां पे तो जस्ट बगल में इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। ठीक, यही कंसेप्ट अगर सिर्फ याद रखेंगे आप तो 90% चेंज हो जाएगा। 10% में थोड़ा बहुत होता है एक्सेप्शन, जानते हैं ना आप, वाद वो सब में होता है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब में होता है। तो हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि यह इस जान लीजिए कि अगर आई होगा तो यहां मेन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी राम सेड टू हिम तो ये हो जाएगा राम टोल्ड हिम दैट, राम ने उससे कहा कि मेरे पास एक गन है, यानी अपने लिए कहा ना। तो यहां आई की जगह पे आप क्या रखेंगे, राम। यहां आई की जगह पे क्या रखना चाहिए आपको, राम। और जानते हैं ना, राम को बार बार कोई नाम की पुनरावृत्ति नहीं, रिपीटेशन नहीं किया जाता है, रिपीटेशन की जगह पे उसको नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया जाता है। ठीक, तो यहां पे हम राम क्या है, राम ही है, सी है, ही है ना, तो यहां पे हम ही यूज करेंगे। ओके, तो पर्सन चेंज हो गया। अब उसके बाद हमने बताया था कि अगर ये चीजें आती हैं, राम सेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका जो है टेंस यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी चेंज होगा। तो आप देखिए कि हैव हैज का चेंज किस में होता है, यहां आप देख सकते हैं हैज या हैव, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, हैज और हैव का चेंज हैड में हो गया। ओके, तो यहां हम क्या कर देंगे, इसको हैड कर देंगे, हैड अ गन। ओके, चेंज हो गया, दैट्स वेरी इजी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 2। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल माध्यम से देखिए और एग्जाम्पल को इस कॉन्सेप्ट को उसमें यूज कीजिए। ओके, सी सेड टू हिम, देखिए हमने बताया था कि सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। ओके, तो यहां पे क्या होगा, शी, और यहां पे क्या कर देंगे, टोल्ड। ओके, और हिम को सीधे नीचे रख देंगे, सी टोल्ड हिम, यानी यहां इतना चेंज जो इतने में चेंज हुआ, जो परिवर्तन हुआ आपने देखा ना, उसके बाद हम दैट लगाएंगे और जैसे ही दैट यूज करेंगे आपका जो इन्वर्टेड कामा है वो टूट जाएगा। ठीक,
हमने बताया यू, यू जो है जस्ट बगल इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यानी सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा कि यू आर मेकिंग फूल, कि तुम बेवकूफ बना रहे हो। हिम से कहा ना, तो यहां पे हिम रखेंगे, यू की जगह पे क्या रखेंगे, हिम रखेंगे। अब हमने बताया था कि हिम जो है, अब यहां पे यू ऑब्जेक्ट के रूप में तो रखा नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में रखा है ना, तो हिम को यहां सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। हिम का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, आप देखिए यहां हिम है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही, ये सब्जेक्ट की लिस्ट है और ये ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, ठीक है। तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही, ये बीच में आ गया, चलिए ठीक है रहने दीजिए, ही। और उसके बाद आर आ रहा है, तो आप जानते हैं इज एम आर का चेंज वाज या वर्ब में होता है, आप देख सकते हैं इज एम आर का चेंज वाज या वर्ब में, ही वाज मेकिंग फूल, ओके चेंज हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, दे सेड टू मी, सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड कर देंगे। ऐसे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन हम जितने रूल्स बता रहे हैं ना, 80% आप गारंटी के साथ बता रहे हैं कि 80% आप चेंज कर लेंगे अगर सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो, ओके। तो यहां क्या हो जाएगा, दे टोल्ड मी, यू है यहां पे, यू किसके अनुसार चेंज होगा, अगर आई होगा तो यहां मेन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यू है यहां पे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां। तो जैसे ही दैट लगाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि जितना ज्यादा स्पेस है नहीं इसमें। मी, अब देख रहे हैं मी यहां पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको यहां सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, तो हमें मी का ऑब्जेक्ट पता करना होगा, सॉरी सब्जेक्ट पता करना होगा। यहां देख सकते हैं मी यहां ऑब्जेक्ट है और मी का जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, आई, ओके। कैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड जो इसमें कैन दिया, आप देख सकते हैं कैन का यूज किस में होगा, ये देखिए कैन, कैन का चेंज जो है कुड में हो जाएगा, सो यहां आई कुड डू द वर्क, ओके। मतलब आप कंसेप्ट एक बार समझ लिए पूरा, तो कोई भी सेंटेंस हो अगर वो कहे डायरेक्ट में चेंज करना है, तो आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया है, ओके आप देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो कि चेंज करने, यहां अगर इस जगह पे जो पर्सन की बात कर रहे हैं बार बार, यहां पे अगर ही आ रहा है या शी आ रहा है या फिर इट होगा, तो इसमें नहीं चेंज करने में भिड़ जाना कि ही को हम चेंज कर दें, शी को हम चेंज कर दें, इट, ये नहीं चेंज होगा। ही शी का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी किसी का नाम समझ लो वहीं पे रखा है, नाउन की जगह पे यूज हो रहा है ना प्रोनाउन, तो समझ लीजिए किसी का नाम वहां पे रखा, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज किसको करेंगे, वी है, आई है, यू है, इन्हीं सबको चेंज करेंगे, ओके। अच्छा ये जो वी होगा, ये भी वी को बताना, उस वहां पे भूल गए थे, वी जो होगा वो भी यहां मेन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ओके। तो ये कह रहे हैं बॉयज सेड टू हिम, लड़कों ने उनसे कहा, यानी यहां पे हम बॉयज लिखेंगे, बाकी प्रक्रियाएं सेम रहेगी, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड हिम, दैट लगाएंगे, कॉमा आपका हट जाएगा, और वी, अब इन बॉयज को यहां वी की जगह पे रखना है, अब बॉयज वहां रखेंगे नहीं, ओके। अच्छा कोई एक लड़का होता, किसी एक बच्चे का नाम होता, तो वहां पे हम ही रखते, तो यहां बॉयज यानी प्लूरल में है, इसीलिए हम वहां पे वी के जगह पे क्या कर देंगे, दे यूज कर देंगे, ओके दे। एक चीज और ध्यान देना, हमने आपसे बताया कि सब्जेक्ट हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट। अब बात यस यस की है, इसमें यस यस तब होता जब यहां पे ही शी इट होता, यानी सिंगुलर होता, तो इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब सेकंड में, ठीक। तो सब्जेक्ट हमने दे यूज कर दिया और गो का सेकंड फॉर्म रख देंगे वेंट, दे वेंट टू मार्केट, ओके। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, रमेश सेड टू देम, तो रमेश सेम यहां पे लिख देंगे और सेड टू को बताया ना टोल्ड हो जाता है, देम कॉमल हटाने के लिए आप इनोटेड कॉम हटाने के लिए दैट लगाएंगे और जाएगा, बताया ना कि यू इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहां क्या है देम, तो यहां यू की जगह पे आपको देम रखना है, तो यू चूंकि सब्जेक्ट के रूप में है, तो देम आपको सब्जेक्ट के रूप में रखना है यहां पे, तो देम का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है, तो यहां हम क्या यूज कर देंगे, दे, ओके। और इसके आगे चेंज करने में बहुत ही इजी, हमने बताया यहां पे कहीं भी विल या शैल आए तो विल को वुड कर देंगे और शैल को शुड कर देंगे, ओके। तो दे और विल का क्या हो जाएगा,
वुड हो जाएगा टेक टी। तो इस तरीके से आपने देखा इतने सारे एग्जांपल के माध्यम से क्लियर किया। बहुत लंबी वीडियोस हो जाती है तो अपलोड होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट और कॉन्सेप्ट सेकंड जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियोज आपके यहाँ पे अपलोड किए जाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक हम आपसे आपको बता सकते हैं कि अगर कक्षा 4 का लड़का, उससे ज्यादा नीचे तो नहीं समझ पाएंगे, क्लास 4 से ऊपर के बच्चे अगर इसको देखेंगे, अगर ध्यान से उसको देखें तो बहुत ही इजीली तरीके से डायरेक्ट को जो है इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।